नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विनोद। तो दोस्तों, सतीश कौशिक जी का निधन हो चुका है और उनके निधन पर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो दुखी है। आपको बता दें कि सतीश कौशिक जी के निधन पर काफ़ी ज़्यादा जो स्टार है बॉलीवुड के, वो आए थे उनके अंतिम संस्कार पर, अंतिम दर्शन पर है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अब भी कई स्टार है जो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। सबसे पहले तो आपको मैं अनुपम खेर का एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, जिसमें अनुपम खेर बोल रहे हैं कि मुझे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा और देखता हूँ कि फ़ोन करूँ सतीश को, पर सतीश तो अब हमारे बीच में नहीं है। हाँ दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए। मैं आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आई नीड टू गेट रिड ऑफ माई सेंस ऑफ लॉस ऑफ माई फ्रेंड सतीश कौशिक, एंड इट्स किलिंग मी बिकॉज 45 साल की दोस्ती जो है वो बड़ी गहरी होती है, एक आदत सी हो जाती है, एक ऐसी आदत जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। और वो जब से गया है तो कभी कभी आज जैसे मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ खाना खाऊँ, क्या खाना खाऊँ, फिर मैंने कहा अरे सतीश को फ़ोन करता हूँ। आई ऑलमोस्ट पिक्ड अप द फोन एंड आई वाज अबाउट टू डायल हिम, और इट्स टफ बिकॉज 45 इयर्स इज क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम टू बी विद समबडी। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि जो अनुपम खेर है वो सतीश कौशिक जी को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, उन्हें खाना भी अच्छा नहीं लग रहा और इस माहौल में, इस मोमेंट में वो सतीश जी को याद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इस दुनिया में है। हाँ दोस्तों, उन्हें फील हो रहा है कि सतीश जी अभी भी उनके पास है, इस दुनिया में है, पर सतीश जी सबको हंसाते हंसाते हम सबको अलविदा कह गए। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो गोविंदा है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी है सतीश के इस दुनिया से चले जाने के बाद, क्योंकि गोविंदा के साथ भी काफ़ी ज़्यादा फिल्में बनाई है सतीश कौशिक ने। आप ये पोस्ट देखिए जिसमें गोविंदा ने लिखा है कि एक तो साथी एक कलाकार, कैसे जो दुख है बयां करूँ अपना, तुम्हारी हमेशा जो कमी खलेगी। तो दोस्तों, उनका साफ साफ मतलब है कि एक तो कलाकार जो साथ में और ऊपर से एक साथी, तो तुम्हारी कमी मैं कैसे पूरी करूंगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सारे कलाकार फिलहाल दुखी है सतीश कौशिक जी के जाने के बाद। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप भी सतीश कौशिक जी के फैन है तो कमेंट में RIP लिखना ना भूले। हाँ दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।